पिता और नाबालिग बेटी दोनों साथ में बैठकर एक दूसरे के साथ शराब पी रहे थे, लेकिन अचानक से माहौल बदल जाता है। खून की होली शुरू हो जाती है, मौत का तांडव शुरू हो जाता है, जिसमें शराब के साथ खून मिलकर बहने लगता है और पिता और बेटी की हालत, दोनों की हालत गंभीर हो जाती है। दोनों को हॉस्पिटल भर्ती किया जाता है। यकीनन पूरा मामला सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, तो वीडियो को स्किप ना करें। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो बात कर रहे हैं केरल के होर्स दुर्ग की। वहां पर रहने वाला राधा कृष्ण, जिसकी उम्र 45 साल होती है, जो मजदूरी किया करता था, वहीं उसकी शादी आज से 20 साल पहले राखी देवी के साथ हुई थी। राखी देवी की एक लड़की है जिसकी उम्र 10 साल है। राधा कृष्ण को शराब पीने का शौक था और यही वजह थी कि राधा कृष्ण जितने पैसे कमाया करता था उसमें से आधे पैसों की शराब पी लिया करता था, लेकिन वो शराब को बाहर नहीं पिया करता था, शराब को घर पर लाकर अपनी पत्नी और अपनी बेटी के सामने पिया करता था। और यही वजह थी कि कई सालों से पति पत्नी के बीच इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। वही संडे की दोपहर को राधा कृष्ण बियर के डिब्बे अपने घर पर लेकर आता है। पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी, घर पर सिर्फ उसकी बेटी थी। राधा कृष्ण शराब निकाल कर पी रहा था, अपनी बेटी को साथ में बिठाता है और उससे बोलता है कि वो भी उसके साथ शराब पिए। बेटी मजबूरी में उसके साथ शराब पीती है और कुछ ही देर बाद बेटी को चक्कर आने लगती है और उसको उल्टी होने लगती है। ये सब कुछ चल रहा था कि राधा कृष्ण की पत्नी दरवाजे पर आ जाती है। वो जैसे ही अपनी बेटी की हालत देखती है वो फौरन समझ जाती है और वहीं पर रखी हुई लोहे की रॉड उठाकर लाती है और अपने पति के ऊपर वार करती है ताबड़तोड़। लेकिन बेटी की तबीयत खराब को देखते हुए वो अपने पति को वहीं पर छोड़ती है और बेटी को उठाकर अस्पताल लेकर भागती है। अस्पताल पहुंचने के बाद अस्पताल के अधिकारी हालत देखते हैं तो वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है, राधा कृष्ण को उठाकर लाती है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, बेटी का भी इलाज चल रहा है, दोनों की हालत नॉर्मल है। लेकिन पिता के ऊपर धारा 77 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उसको जल्दी जेल पहुंचा दिया जाएगा। आप ऐसे वैश्य पिता पर क्या बोलना चाहेंगे, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए और राखी ने क्या सही किया अपनी बेटी को पहले अस्पताल पहुंचाकर या फिर वो अपने पति को पहले सज़ा देती, आपको क्या लगता है ये भी ज़रूर बताइएगा। साथ के साथ हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।